26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में भारत को विजयी मिली थी। इसी वजह से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। बता दें कि 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने उनके खिलाफ ऑपरेशन विजय चलाया था। यह ऑपरेशन विजय 8 मई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चला था, जिसके बाद से ही देश भर में 26 जुलाई के दिन को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है और शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। वहीं राजधानी देहरादून सहित पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। राजधानी के गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और सैनिकों के लिए कई घोषणाएं की। और कारगिल का जो वार था, ये अपने आप एक अद्भुत वार था और दुनिया में इससे पहले ऐसी परिस्थितियों में कोई युद्ध नहीं हुआ। जो दुनिया के युद्धों का जो इतिहास है, कारगिल वार बहुत ही विषम युद्ध था। शत्रु जो था वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर था, हमारे सैनिक नीचे थे, ऊपर नीचे से अगर बम जाते थे तो पत्थर की तरह जाकर वहाँ गिरते थे और ऊपर से अगर छोटा पत्थर भी आया तो बम की तरह गिरता था। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिकों ने ये युद्ध लड़ा और पाकिस्तान को अपने जो सैनिक जो उनके शहीद हुए उनकी बॉडी तक छोड़कर उनको जाना पड़ा, जबकि वो बहुत सुरक्षित जगह पर थे। और इसलिए उत्तराखंड सरकार ने इसको शौर्य दिवस में बनाने का निश्चय किया था। हम आज उन सभी वीरों को याद करते हैं जो हमारे नौजवानों को प्रेरणा देते हैं देश के लिए। इसी कड़ी में आज अल्मोड़ा में भी शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान सहित प्रशासन और पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही 6 शहीदों की वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध जिसको शौर्य दिवस के नाम से हम जानते हैं, आज उन शहीदों की याद में पूरे देश के अंदर कारगिल दिवस की, शौर्य दिवस की 20वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं और इन जवानों ने हमारे अपने साहस, पराक्रम, वीरता और जाबाजी का और शौर्य का ये ऐसा परिचय दिया जिसको पूरा देश को उन पर गर्व है और देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दी और देश की सीमाओं की सुरक्षा की और हमारी भी सुरक्षा की है। तो उन शहीदों को याद करने का दिन आज का होता है 26 जुलाई को और उनकी गाथाओं को देश के प्रत्येक कोने कोने में पूरा देश गा रहा है। आज जो हमारा कारगिल का युद्ध हुआ था उसकी 20वीं वर्षगांठ है। जो शहीद हुए थे उनको सम्मान करने के लिए शौर्य दिवस जो हम मनाते हैं उस अवसर पे सारे लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पे आज एकत्र हुए हैं। आज के दिन पूरा देश अपने वीरों पर गर्व कर रहा है, साथ ही शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप और अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट।